नमस्कार, आज हम CBSE की कक्षा 10वीं के सप्तमः पाठ सातवें पाठ सौहार्दम प्रकृतेः शोभा का अध्ययन करेंगे। अयम पाठः परस्परं स्नेह सौहार्दपूर्ण व्यवहारः स्यात् इति बोधयति। यह पाठ आपस में स्नेह और भाईचारे से युक्त व्यवहार करना चाहिए इस प्रकार का बोध कराता है। संप्रति वयम पश्यामः, किंतु आजकल हम देखते हैं यत् कि समाजे समाज में जनाः आत्माभिमानिनः संजाता, कि समाज में जो मनुष्य हैं वो आज घमंडी हो गए हैं। ते परस्परम तिरस्कुर्वन्ति, वो आपस में एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं। स्वार्थपूर्णे संलग्नः ते परेषां कल्याण विषये नैव किमपि चिन्तयन्ति, वो अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे हुए हैं और वे दूसरों के कल्याण के विषय में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। तेषां जीवनस्य उद्देश्यम्, जीवन का उद्देश्य अधुना इदं संजातम्, अब यह हो गया है। आज के समाज में मनुष्यों का जो जीवन का उद्देश्य रह गया है वह इस पंक्ति में बताया गया है। नीचैर नीचै अति नीच नीचै सर्वै उपायै फलमेव साध्यम्। नीच ही अनीचै, नीच से नीच, गिरे हुए से गिरा हुआ कार्य करके भी, कैसा भी, कितना भी निम्न से निम्नतर इस पर गिरकर भी वो अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं, अपना स्वार्थ साधने में लगे हुए हैं आज के मनुष्य। अतः समाजे पारस्परिक स्नेह संवर्धनाय अस्मिन् पाठे पशु पक्षिणां माध्यमेन समाजे व्यवहृतम् आत्माभिमानं दर्शयन् प्रकृति मातुः माध्यमेन अन्ते निष्कर्षः स्थापितः यत् कालानुगुणं सर्वेषां महत्त्वं भवति। सर्वे अन्योन्याश्रिताः सन्ति, अतः अस्माभिः स्वकल्याणाय परस्परं स्नेहेन मैत्रीपूर्ण व्यवहारेण च भाव्यम्। इसलिए समाज में पारस्परिक स्नेह को बढ़ाने के लिए इस पाठ में पशु और पक्षियों के माध्यम से समाज में जो व्यवहार आजकल दिखाई दे रहा है, घमंड का वातावरण जो दिखाई दे रहा है, उसको प्रकृति माता के माध्यम से अंत में यह निष्कर्ष स्थापित किया गया है कि समय के अनुसार, समय आने पर सर्वेषां महत्त्वं भवति, सबका ही महत्व होता है, सारे प्राणी एक दूसरे पर आश्रित हैं, इसलिए हमारे द्वारा भी स्वकल्याणाय अपने कल्याण के लिए परस्परं स्नेहेन आपस में स्नेह से और मैत्रीपूर्ण व्यवहार से ही हमें रहना चाहिए। पाठ प्रारंभ होता है, यह नाटक है वनस्य दृश्यम्, एक वन का दृश्य है। समीपे एव एका नदी वहती, पास में ही एक नदी बह रही है। एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यते, तदैव एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छं धुनाति। वन का दृश्य है, पास में ही एक नदी बह रही है। एक शेर सुख से विश्राम कर रहा है, तभी एक बंदर आकर तस्यं पुच्छं, उसकी पूंछ को खींचता है। क्रुद्धः सिंहः, क्रोधित हुआ शेर, तं प्रहर्तुम् इच्छति, उस पर प्रहार करना चाहता है। परम परंतु वानरस्तु, वानरः प्लस तु, वानर तो, बंदर तो, कूर्दित्वा कूदकर, कत्वा प्रत्यय, वृक्षम आरूढ़, पेड़ पर चढ़ गया, आ प्लस रू प्लस कत आरूढ़,
तदैव कभी अन्यस्मात् वृक्षात् दूसरे पेड़ से अपरह वानर दूसरा बंदर सिंहस्य कर्णम आकृष्य शेर का कान खींचकर पुनः फिर वृक्षोपरि आरोहति पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। एवमेव इसी प्रकार वानरा बंदर बारम बारम बार बार सिंहम तुदन्ति शेर को तंग कर रहे हैं। क्रुद्धः सिंहः क्रोधित हुआ शेर इतस्ततः अवेह धावति इधर उधर दौड़ता है। गर्जति गर्जता है परम परंतु किमपि कर्तुम असमर्थः एव तिष्ठति परंतु वह कुछ भी करने में असमर्थ ही रहता है। वानरा हसन्ति बंदर हंसते हैं वृक्षोपरि च विविधा पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति बंदर हंसते हैं और वृक्ष के ऊपर जो विविध प्रकार के पक्षी भी जो वहाँ पर रह रहे थे वो शेर की ऐसी अवस्था को देखकर हर्ष मिश्रित प्रसन्नता से युक्त कलरव करते हैं चहचहाते हैं या आवाज निकालते हैं। निद्रा भंग दुखेन वनराजः सन्नपि तुच्छ जीवैः आत्मनः एतादृश्या दुरवस्थया श्रान्तः सर्वजन्तून् दृष्ट्वा पृच्छति नींद में भग्न के दुख से वनराज होते हुए भी तुच्छ जीवै छोटे छोटे प्राणियों के द्वारा आत्मनः स्वयं की यानी खुद की छोटे छोटे जीवों के द्वारा नींद भंग किए जाने के दुख से जो जंगल का राजा शेर था वो स्वयं की ऐसी बुरी अवस्था से थका हुआ सारे जंतुओं को देखकर पृच्छति पूछता है। शेर पूछता है क्रोधेन गर्जन क्रोध से गर्जना करते हुए भो अहम वनराज किम भयम न जायते अरे मैं जंगल का राजा हूँ क्या तुमको भय उत्पन्न नहीं होता है क्या तुमको डर नहीं लगता है किमर्थम माम एवं तुदन्ति सर्वे मिलित्वा किस लिए तुम इस प्रकार सारे मिलकर मुझे परेशान अथवा तंग कर रहे हो। तभी एक बंदर बोलता है यथ त्वं वनराजः भवितुं तु सर्वथा अयोग्यः बंदर कहता है एक कि क्योंकि हम ये जानते हैं कि तुम जंगल का राजा होने के लिए सर्वथा अयोग्य हो। राजा तु रक्षकः भवति परम भवान तु भक्षकः राजा तो रक्षक होता है परंतु आप तो भक्षक हैं। अपि च और भी स्वरक्षायामपि समर्थ नासी तर्हि कथम अस्मान रक्षिष्यसि और जब आप अपनी रक्षा करने में ही समर्थ नहीं है तो आप हमारी कैसे रक्षा करोगे। अन्य वानरः दूसरा बंदर बोलता है किम न सुक्ता त्वया पंचतंत्रोक्ति क्या तुमने पंचतंत्र की यह उक्ति यह कथन नहीं सुना यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमानान परै सदा जंतून पार्थिव रूपेण सह कृतांतो न संशयः पंचतंत्र में जो यह कहा गया है कि यह माने जो न माने नहीं रक्षति माने रक्षा करता है वित्रस्तान माने पीड़ितों की और पीड्यमान दूसरों के द्वारा पीड़ित किए जाते हुए पीड़ितों की जो दूसरे जिनको सदैव पीड़ित करते हैं ऐसे पीड़ित व्यक्तियों की जो रक्षा नहीं करता है जंतून पार्थिव रूपेण ऐसे जंतुओं को ऐसे जीवों को कृतांत ही माना जाता है यमराज ही माना जाता है इसमें कोई संदेह नहीं है।
अर्थात जो जीव पीड़ित व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकता है अथवा उनको परेशान ही करता रहता है, ऐसे जो जीव हैं उस परेशान करने वाले, तंग करने वाले जानवर अथवा जीव को साक्षात यमराज मानते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तभी वहाँ पर कौआ आ जाता है, वह बोलता है काकह, काकह माने कौआ, आम सत्यम कथितम त्वया, हाँ तुम्हारे द्वारा यह सत्य कहा गया, ठीक कहा गया। वस्तुतः वनराजः भवितुम तु अहमेव योग्य, वास्तव में जंगल का राजा बनने के लिए मैं ही योग्य हूँ। धन्यवाद।